अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो जो ब्लॉग्स पाकिस्तान गुजरात वाला शो ट्रैवलर एंड प्लस ब्लॉगर बनना चाहता हूं गाइस। आज का टॉपिक आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो गाइस आज के बारे टॉपिक ये है कि क्या ब्लॉगिंग करना इतना आसान काम है, ये किसी बंदे ने मुझसे कहा। तो जी बड़े भाई, ब्लॉगिंग करना बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी इंसान काम मुश्किल नहीं होता। कैमरा आजकल मोबाइल में हर किसी के पास है, जैसे मेरे पास है, मैं वीडियो बना रहा मोबाइल से। और दूसरी बात, अल्लाह ने आपको दो हाथ दिए, ट्राईपोड की आपको ज़रूरत नहीं। और आप सोचेंगे कि तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है। और व्लॉगिंग करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़, आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। जब आपके पास स्टोरी होगी, आप लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं, लोग देखने में दिलचस्पी रखेंगे, आपकी वीडियो को लाइक करेंगे। दूसरी बात, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। जब आपको बोलना आ जाएगा, आपके लिए व्लॉगिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एडिटिंग मानता हूँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है व्लॉग करने में, ब्लॉगिंग जब ब्लॉग हम करते हैं तो 5-10 मिनट में ब्लॉगिंग पूरी हो जाती है, जब उसको एडिट करना होता है तो घंटों लग जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, तस्लीम भी करता हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग करने में कोई परेशानी नहीं है। आपका एक सपना है, आपके मन की हसरत है, आपको उसको पूरा करना है, ठीक है। तो आप उसको पूरा करें, आप किसी दूसरे की तरफ नहीं देखें, मेरा फेस देखें, ठीक है। कमज़ोर हूँ, मेरा दांत टूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे मन की ये हसरत है, मैंने इसको पूरा करना है, ठीक है। मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, मैं अपने मन की तरफ देखूंगा, ठीक है। और आप किसी की तरफ नहीं देखें, आप व्लॉगिंग कैमरा उठाएं, व्लॉगिंग करना शुरू करें, ठीक है। कि यहाँ कोई भी किसी को कुछ नहीं देख सकता, ठीक है। अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो तभी भी लोग बातें करेंगे, बुरा काम कर रहे हो तभी भी लोग बातें करेंगे। जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हें पूरा करना चाहते हो, तो आज कल नहीं करो, उसको पूरा करो, ठीक है। व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एडिटिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। आप ये भी ना सोचो कि मैं यार अच्छा कैम लूँगा, मैं लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे, दुनिया कहती है कहने दो, तुम अपना जो काम है उसको जारी रखो, क्योंकि जिसकी आगे बढ़ने की सोच हो वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। और गाइज, मैंने आपसे वादा किया था कि जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करूँगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में सब मैं आपको बताया करूँगा। तो वो भी प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपके सामने रूबरू किए हैं, वीडियो बनाई है मैंने, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगा। और टर्की के बारे में पता नहीं लोग इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं, हालाँकि वहाँ इतने पैसे तो नहीं है। किसी ने पूछा कि मुझे टर्की जाना है, मैं कौन सा काम सीखूं। फिर उसने एक ने और सवाल किया, वो आने वाले ब्लॉग में आपको जाहिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं न्यू कुमार फ्रेश एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो हौसला वो बुलंद हो सके। और मिलते हैं एक न्यू कुमार फ्रेश एपिसोड में, तब तक मुझे इजाज़त दें। बोलने में, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी जो इंसान काम मुस्तकिल करता ना, उस चीज़ में माहिर हो जाता है, ठीक है। मैं भी इस चीज़ में पूरी तरह माहिर नहीं हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाऊँगा, फिर आपसे व्लॉगिंग भी देखेंगे, आप एडिटिंग भी अच्छी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हर चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक न्यू कमाल फ्रेश एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।